बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो कंटिन्यूएशन है एनर्जी इन ए कपल सर्किट, और यहाँ पे हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 13.3 को सॉल्व करेंगे। सो हमने जैसे पिछले वीडियो में भी देखा था कि एनर्जी अगर एक इंडक्टर को हम ले रहे हैं तो उसका फार्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर, लेकिन जब कपल सर्किट हो यानी इस तरह के सर्किट हो जो कपल हैं दोनों, तो इस कपल सर्किट में हमारा फार्मूला हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, यानी ये L1 के लिए, ये L2 के लिए, और ये जो म्यूचुअल कपल है उसके लिए ये फार्मूला। अच्छा, अब प्लस का भी यूज़ करेंगे और माइनस का भी यूज़ करेंगे। यहाँ से देखिए, अगर तो करंट एंटरिंग द डॉट, दोनों में ही एंटरिंग द डॉट है, या दोनों में एंटरिंग द नॉन डॉट हो तब भी हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। लेकिन अगर एक में एंटर हो रहा है एक डॉट में और एक नॉन डॉट में, तो वहां पे हम नेगेटिव साइन, यानी जब मिसमैच हो तो हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो आइए हम अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखते हैं। पिछले सवाल की तरह ही इसमें भी आपने कपलिंग कोफिशिएंट पता करना है और एनर्जी स्टोर्ड इन द कपल इंडक्टर एट टी इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड पता करना है। ओके, तो कपलिंग कोएफिशिएंट का ये फार्मूला है, तो डायरेक्ट इसमें आप वैल्यू पुट करें, m इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए ये m है, L1 L2 कितना होगा, 2 इंटू 1, तो अंडर रूट 2, तो ये वैल्यू आ गया 0.707। अब आ जाते हैं पार्ट बी में, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट टी इज इक्वल टू 1.5, और यही फार्मूला एनर्जी स्टोर्ड का है। तो अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है करंट, I1 और I2 करंट हमें पता होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कैसे I1 I2 को हम मालूम करेंगे। ये I1 I2 हमें चाहिए, तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि हम इस सर्किट को फेजर डोमेन में कन्वर्ट कर लें और वहाँ फेजर करंट कैपिटल I1 और कैपिटल I2 मालूम कर लें, और उसके बाद फिर इसको टाइम डोमेन में लेकर आके स्मॉल I1 और स्मॉल I2 यानी टाइम डोमेन ये करंट्स को पता करना। तो फेजर में जाने के लिए हम ये तमाम पैरामीटर्स को फेजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, हम वोल्टेज को 100 cos 2t को हम देख सकते हैं 100 मैग्नीट्यूड, और एंगल इसका 0 आ गया, और यहीं से हम देख सकते हैं cos ओमेगा t, अगर इसको हम कहें तो ओमेगा किसके बराबर है, 2 रेडियंस के बराबर है। 2 हेनरी को j ओमेगा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो j 4 हो जाएगा। इसी तरह 1 हेनरी को भी जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो J2, ये भी J2, और कैपेसिटर के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे 1 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा सी, ओमेगा 2 है और सी की वैल्यू 1/8 है, तो ये आ जाएगा कैपेसिटर की वैल्यू -J4। तो अब हम फेजर सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फेजर सर्किट आ गया, तमाम वैल्यू जो है हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। ओके, अब ये हम इस सर्किट पे थे यहाँ पे, लेकिन हमें इसको सॉल्व करने के लिए इंड्यूस्ड वोल्टेज इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो ये देखिए, इंड्यूस्ड वोल्टेज के लिए हम पहले भी ये डायमंड साइन यूज़ करते रहे, तो हमने यहाँ पे भी डायमंड साइन यूज़ कर दिया, और उसके वैल्यू क्या होगा, जो ये एम मल्टीप्लाई बाई दी करंट। अब यहाँ पे हम ये इंड्यूस्ड वोल्टेज इस करंट की वजह से है, तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे J2I1, और ये इंड्यूस्ड वोल्टेज इस करंट की वजह से, तो इसको हम लिख लेंगे J2I2। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी पोलैरिटी मार्किंग। ज़रा से आपने गलती कर दी तो आप सवाल आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, पोलैरिटी कैसे मार्क, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर करंट एंटर हो नॉन डॉटेड टर्मिनल में, तो दूसरे साइड पे नॉन डॉटेड टर्मिनल पॉजिटिव होगा, यानी ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, तो इस डायमंड के ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा और ज़ाहिर है नीचे नेगेटिव होगा। इसी तरह अगर करंट एंटर है डॉटेड टर्मिनल में, तो दूसरे साइड के डॉटेड साइड यानी नीचे वाले साइड पॉजिटिव हो जाएगा, तो यह नीचे वाला साइड पॉजिटिव हो गया। तो अभी हमने मार्क कर लिया, अब हम रेडी हैं अपने KVL इक्वेशन दोनों मैश के लिखने के लिए। ये पहले मेश में हम यहाँ से चल रहे हैं, जीरो एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो -100 4
I1 आ गया, इसी तरह J4 I1 आ गया, इसी तरह J4 I1 आ गया, और ये चूंकि माइनस साइन पहले आ रहा तो माइनस J2 I2। सिंप्लीफाई कर लिया हमने, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसी तरह यहाँ हम इस तरह से चलेंगे, तो इसके लिए ये इक्वेशन आ गया माइनस J2 I1, फिर J2 I2 और 2 I2। इसको भी हमने रीअरेंज कर लिया इस तरह से। तो अब ये दो हमारे इक्वेशन नंबर 1 और नंबर 2 इक्वेशन आ गए। आप इसको चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के करें तो वो ज़्यादा आसान है। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स। ये हमने इसको मैट्रिक्स इक्वेशन लिख लिया, इसके तमाम के मैग्नीट्यूड्स हमने यहाँ पर लिख लिए, ये दो अननोन करंट्स हैं और ये दो वोल्टेजेस हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स, और हमें पता है जो करंट I1 के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है Δ1/Δ, और I2 के लिए Δ2/Δ। तो डेल्टा ये हो गया, इसको डेल्टा हम कहेंगे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई कर लेंगे यूजिंग योर कैलकुलेटर, आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब Δ1 के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं विद द वोल्टेज, और Δ2 के लिए सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं विद दिस वोल्टेज। तो आइए देखते हैं, Δ1 के लिए फर्स्ट कॉलम हमने रिप्लेस कर दिया, अब इसको भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। Δ2 के लिए सेकंड कॉलम को हमने रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, और ये J200 आ गया। तो अब ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब I1 हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि ये ऊपर हमने Δ1 के वैल्यू लिख दिया और नीचे डेल्टा। आप अपने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में जाके आप डायरेक्टली ये आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मेरा वीडियो है इस टॉपिक पे, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो I1 आ गया, और इसी तरह I2 हमने निकाल लिया, ये I2। अब ये दोनों फेजर करंट्स आ गए। अब हम यहाँ से हम टाइम डोमेन में जाएंगे, यानी I1 के लिए अब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड cos ωt या cos 2t प्लस ये जो फेज एंगल है ये आ गया, और I2 उसी तरह इसके मैग्नीट्यूड cos 2t प्लस ये एंगल आ गया। तो अब ये दोनों टाइम डोमेन में करंट इक्वेशंस हैं। अब सवाल में एक्चुअली कह रहा है कि स्टोर्ड एनर्जी हमने पता करना है एट t=1.5। तो हमने देखना है कि ये t=1.5 सेकंड पे इसके वैल्यू क्या हो जाएंगे, इन दोनों करंट्स की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम 2t को देख लेते हैं। 2t जो है ये, इसको हम लिखेंगे 2 × 1.5, क्योंकि टाइम 1.5 है, तो 3 रेडियन हो गया। अब ये एंगल्स चूँकि ये डिग्रीज में हैं, तो हमने इनको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसको 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से डिवाइड करेंगे, तो ये 171.89 डिग्री हो गया। अब ये 2t के वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। सो I1 में ये 2t के वैल्यू पुट कर दिया, और इसको अब आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया -19.58 एम्पियर, और इसी तरह I2 आ गया -9.24 एम्पियर। सो अब हमें तमाम वैल्यूज पता चल गए। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके तो एनर्जी मालूम कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन दिया गया है, वजह कि ये जो सर्किट है इसमें मिसमैच है, करंट एंटरिंग दी नॉन डॉटेड टर्मिनल यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे करंट एंटरिंग दी डॉटेड टर्मिनल। तो जब मिसमैच हो तो ये साइन हम नेगेटिव ले लेते हैं। अब बाकी वैल्यूज आप इसमें आप डायरेक्ट पुट कर दें। हाफ हो गया, L1 के वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दिया, I1 के वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया, इसी तरह इसका, और इसी तरह M ये 1 है, M I1 I2। तो इसको सॉल्व करके टोटल एनर्जी जो है वो 245.15 जूल है। जो बुक में आंसर है उससे स्लाइटली ये फ़र्क है, लेकिन ये सही आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप समझते हैं कि ये यूज़फुल है तो इसको अपने दोस्तों यारों में इसको शेयर ज़रूर करिए। शुक्रिया।